यूपी के फतेहपुर में कृषि कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। उन्होंने त्रिवेदी फाउंडेशन के मंदिर और धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था काफी बेहतर है, रात में महिलाएं बिना डर के घर के बाहर आ जा सकती हैं। और सरकार ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्ष जब हम देश की आजादी के 100 साल पूरे करेंगे और 100 वर्ष की आजादी का जश्न मनाएंगे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर होगी। और ये तीसरे स्थान पर लाने के लिए बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का और विशेषकर युवाओं का अत्यधिक महत्व है।